हालेलुया। बैठ सारी बात चोर कौन? चोर। हम पता ही किस चीज का चोर है? तो चाहता हूँ क्वेश्चन को, मैं देख रहा था कुछ लोगों के जीवन में चोर काम कर रहा, पृथु के काम 10:38। पवित्र आत्मा ने यीशु नासरी को परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सब पढ़े मिलके इस वचन को, सब पढ़े मिलके 1 2 3। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रभु मुझे दिखा रहा था कि कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके जीवन में शैतान अनॉइंटिंग को चुराने की कोशिश कर, इसको अभिषेक को। शैतान को किस चीज से डर लगता है? अभिषेक से। क्या लिखा है वचन में? अभिषेक। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया अनॉइंट किया। हाँ, वह भलाई करता और वे जो सब शैतान के सताए हुए थे, हाँ, अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और यीशु मसीह अपने उस अनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में, उस अभिषेक को उसने बना के रखा। बहुत बार शैतान ने भिन्न भिन्न तरीके से यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह हर बार उसकी योजना से वाकिफ थे। अगर एक बार आपने अपना अभिषेक खो दिया तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर अभिषेक होता है उसे वो बहुत घबराता है, बहुत कांपता है, उसके पास हो नहीं जा सकता। वही अभिषिक्त लोग जो हैं, उसके राज्य को उखाड़ सकते हैं, उसके राज्य को उथल-पुथल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चेलों के साथ क्या हुआ था जब पेंतिकॉस्ट के दिन अभिषेक उनके ऊपर आ गया? क्या आया? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया तो वो जहां जहां जाने लगे, लोग क्या कहते थे?
भागो यहां से, भागो यहां से। ये वो लोग आ गए हैं जिन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर रखा है, क्योंकि इनके पास अभिषेक है। इनके पास अभिषेक है। मैं एक बार ना पैदल ऐसे घर जा रहा था, आगे लोग चल रहे थे और मैं भाषा में ना प्रार्थना कर रहा था, आवाज बाहर आ गई, क्योंकि इस संसार का जो ईश्वर है उस अनॉइंटिंग से डरता है, घबराता है। आप बाइबल लेके घूमो, तकिए के नीचे रखो, न्यूज़पेपर की तरह इसको पढ़ते रहो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कितने ऐसे चर्चिस हैं, बहुत सारे चर्चिस हैं जहां पर वचन का प्रचार होता है, आराधना होती, कीर्तन भजन होते हैं, लेकिन अभिषेक नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है। लोग आते हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता, गुनाह करते हुए आते हैं, गुनाह करते हुए जाते हैं, जीवन नहीं बदलता, उठना बैठना चाल चलन नहीं बदलता, क्योंकि क्या नहीं है, क्या नहीं है, अभिषेक नहीं है। क्योंकि अभिषेक जब आता है तो जिंदगी को बदल के रख देता है, तस्वीर को बदल के रख देता है, पूरी तरीके से चेंज कर देता है। अभिषेक, अनॉइंटिंग। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को सामर्थ और पवित्र आत्मा से अनॉइंट किया, अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। और अनॉइंटिंग के आगे, उस अभिषेक के आगे कोई ठहर नहीं पाता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला योना 2:20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ, तुम सब कुछ जानते हो, जानते हो। मैंने तुम्हें, बस यहाँ पर लिखा है तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है तुम्हारा तो उस पवित्र तेल से, पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सत्य को जानते हो। हालेलुया। ये नहीं लिखा हुआ, वहां लिखा है तुम सच्चाई को जानते हो, तुम सत्य को जानते हो, क्योंकि जो सत्य को जानेगा सच्चाई उसको आजाद करेगी। उसने कहा था पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो कहता है कि तुम्हारा तो अभिषेक हुआ है, और ऐसा अभिषेक है जिसके सामने पाप नहीं ठहर सकता, गुनाह नहीं ठहर सकता, दुष्ट आत्माएं नहीं ठहर सकती, बीमारियां नहीं ठहर सकती। लेकिन आपके शत्रु को पता है अगर मुझे इसको गिराना है, अगर मुझे इसके ऊपर प्रबल होना है तो किसी ना किसी तरीके से इसके अभिषेक को चुराना है, किसी ना किसी तरीके से मुझे इसे पाप में गिराना है। पर अगर मैं इसको पाप में गिरा दूंगा कि अपने अभिषेक को भुला बैठेगा तो मेरा जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। हम क्यों नहीं कर पाते मसीह में, क्यों नहीं फल लेकर आ पाते? एक विश्वासी के पास भी अधिकार है दुष्ट आत्माएं निकालने का, एक विश्वासी के पास भी अधिकार है बीमारों को चंगा करने का, लेकिन हमारी सिचुएशन, हमारे हालात नहीं बदलते, क्योंकि हमने चोर को पकड़ा ही नहीं। आज बहुतों ने अपने जीवन को भविचार के कारण उस अभिषेक को खो दिया। ये बहुत बड़ा हथियार है इसका।
भविचार के कारण आत्मिक रीति से भविचार क्योंकि इंद्रियों के अंदर जवानों को गिरा रहा है, लोगों को गिरा रहा है। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर, एड्स के अंदर, कई ऐसे ऐसी चीजों के द्वारा क्या करना चाहता है आपको? गिराना चाहता है, बुझाना चाहता है आपके अभिषेक से, आपके अभिषेक को चुराना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है आपको? एक जवान परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ कर सकता है, उसको पता है। बाइबल कहती है स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसने हिला के रख दिया। क्यों? उसने हिला के रख दिया। लेकिन आज के जवान खुद ही हिलते रहते, हाँ खुद ही हिलते रहते। मैं सच में देख रहा था, कई प्रभु ने वचन मुझे दिया यहां के लिए। ये शैतान का हथियार है भविचार, और भविचार की जो आत्मा है, स्पिरिट है, सपनों के द्वारा, विचारों के द्वारा, मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। आज को पकड़ के पीटेंगे। क्योंकि जो अभिषेक हमारे पास है उसके सामने उसका एक भी जोड़ नहीं चल सकता। आमीन, आमीन। उसका एक भी हथियार सफल नहीं हो सकता। आपको पता परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग दे रखी है, वो आशीष दे रखी है जिसके सामने शत्रु खड़ा नहीं रह सकता। उसको पता है मैं सीधे तरीके से तो नहीं जीत सकता इनसे, टेढ़े तरीके से। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम भी बड़े भोले बनते हैं। कैसे? बड़े भोले बनकर उसकी बातों में आ जाते। बाइबल के अंदर लिखा है जब बिलाम इसराइलियों को शराब देने के लिए जा रहा था, क्योंकि बलाक राजा ने बहुत धन संपत्ति उसको दिया था कि यदि तू इसराइलियों को मेरे लिए शराब देगा तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर ने एक वचन को रिलीज किया था उनके ऊपर कि कोई भी मंत्र यकूब के ऊपर चल नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है कि तीन बार वो नबूवत करने के लिए गया, वो शराब देने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर ने तीन बार उसके मुंह में इनके आगे, उस अभिषेक के आगे कोई शराब ठहर नहीं सकता था, कोई मंत्र ठहर नहीं सकता था, कोई दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकता था, कोई शैतान ठहर नहीं सकता था। इसलिए हर बार शैतान वहां से भाग जाता, दुष्ट आत्माएं वहां से भाग जाती। परमेश्वर की अनॉइंटिंग उसके मुंह के ऊपर कब्जा किए हुए थी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अनॉइंटिंग में चल रहे होंगे, याद रखे लोग जितने मर्जी तंत्र मंत्र करें, जितने मर्जी टोने टोट के करें, बड़ा खर्चा दिया, पैसा दिया, लेकिन तूने शराब देने की बजाय इनको आशीष दे दी। तो बिलाम ने कहा एक काम करो, इनके बीच में ना कुमारी लड़कियों को भेज दो, बड़े बच्चों को, गिनती 25 सब इज़राइली टीम में रहते थे वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हाँ, कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देव
देवताओं के यज्ञ में नौता दिया, हाँ देवताओं के यज्ञ में नौता दिया, तब ये लोग खाकर, हाँ तब ये लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत कर, उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। ये सलाह जो है बिलाम ने दी, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है तुम में से ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा पे चलते। ये शिक्षा बिलाम ने दी कि तुम ऐसे तो इनसे नहीं जीत सकते, भविचार में डालकर, मूर्ति पूजा में डालकर, जो अभिषेक इनके ऊपर है ना, बस वो तुम छीन सकते हो, वो तुम इनसे दूर कर सकते हो। तो बलाक राजा ने मुआबी लड़कियों को भेज दिया उनके बीच में, और इजरायली लोगों ने उनके साथ वो कुकर्म करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। हालेलुया। आज शैतान को पता है सीधे तरीके से तो नहीं जीत सकता इसे, इसलिए अंधकार की जो शक्तियां हैं इतनी ज्यादा इस चीज के ऊपर वर्क कर रही हैं, मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा इसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, एडवर्टाइज तैयार किए जा रहे हैं, चीजें तैयार की जा रही हैं कि जवानों को पकड़ा जाए, भाइयों को पकड़ा जाए, बहनों को पकड़ा जाए। दूसरी बात, रिश्तेदारी बुलाते हैं, खिलाते हैं कि हम जाए उनके साथ मिक्स हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इन चीजों के द्वारा आप अपने ऊपर श्राप को लेकर आ रहे हो। जब आप जाकर अन्य जातियों के साथ मिक्स होते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मिक्स होने के नहीं, परमेश्वर ने आपको उनको बदलने के लिए बुलाया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार से चुना, अलग किया और वापस संसार में भेज दिया, इसलिए संसार के जैसे बनने के नहीं, संसार को अपने जैसा बनाने के लिए। तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है, तुम्हारे अंदर जो तेज है, जब एक अविश्वासी व्यक्ति तुम्हारे साथ रहेगा उसको वो अभिषेक टच करेगा, उसको वो आत्मा टच करेगा। हालेलुया। हम चाहे अविश्वासी लोगों के सामने जब वचन की बातें करते खलबली मच जाती है उनके अंदर, वो सुन नहीं पाते, सह नहीं पाते, क्यों? अभिषेक के कारण, अनॉइंटिंग के कारण। लेकिन इजरायली लोगों ने उस अनॉइंटिंग की परवाह ना करके, उस परमेश्वर की परवाह ना करके व्यभिचार करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, मूर्तियों पे चढ़ा हुआ खाना खाने लगे, और बाइबल कहती है उनमें मरी आ गई। अब शत्रु को मारने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद मरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मारने की भी जरूरत नहीं है, खुद उनके अंदर मरी फैल गई, खुद मरी फैल गई। बाइबल बताए आपको क्या कहती है, जोएल योएल नबी की किताब 2:28 वचन में, अपना मन पाठ योएल 2:28 वचन, उन बातों के बाद, हाँ उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उकेरूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनी है स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर तो आपको दर्शन दिखाना चाहता है, लेकिन आपके आपके टेलीविजन से ही नहीं हटते, तो दर्शन कैसे देखेंगे? हमारी आंखें मोबाइल से नहीं हटती, बस लगे हुए ऊपर ऊपर कर लेते हैं, कैसे देखेंगे? बताओ। अच्छा दो व्यक्ति मेरे पास, दो व्यक्ति
अब मान लो ये पवित्र आत्मा है, ठीक है, मेरे साथ, और ये दुष्ट का रूप है, ठीक है, मान लीजिए। अब ये पवित्र आत्मा जो है मुझे काउंसलिंग करता है, मुझे बढ़ा रहा है, मेरे पास तब तक ये है, मैं इसकी बात को सुनता हूं, मैं बढ़ रहा हूं। हमारी अच्छी दोस्ती, लेकिन जो दुष्टात्मा है उसने रूप बदल कर उस पर फोन मिलकर किसी भी माध्यम से वो आ सकता है, किसी दोस्त के द्वारा आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, दलीला के द्वारा आ सकता है, हाँ किसी लड़की के द्वारा आ जाएगा, किसी लड़के के द्वारा आ जाएगा। तो अब यहां से मैं इनसे बात करना छोड़ दूं और उसके साथ चिपक जाओ, तो अब क्या हुई, क्या हुआ, अब मैं हर समय इससे बात कर रहा हूं, वो आवाज दे रहे हैं, मैं सुन ही नहीं, वो आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, कायल कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये जोर लगाकर अपनी तरफ नहीं कैस कर रहा है। ये धीरे 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 अपने गैंग में ले गया, और पवित्र आत्मा ये जो मित्र है ये क्या हो जाएगा, ये शोकित हो जाएगा, ये रूट जाएगा। अब ये रूट गया, दोषी टूट गई, अब उसका काम आसान है। हालेलुया, अब उसका काम आसान हो गया, अब वो गिरा कर निचोड़ कर क्या करेगा, हालत बुरा कर देगा। ये चुराने आया था, आज शैतान ही तो कर रहा है, उसको आपके पैसे से डर नहीं लगता, आपको कितना ज्ञान है उसे डर नहीं लगता। जो अनॉइंटिंग आपके पास है, जो अभिषेक आपके पास है, उसे उस चीज से डर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो गिराना चाहता है। बहुत सारे लोगों के जीवन घर के झगड़े रगड़े इधर उधर की चीजों में सुस्त हो गए हैं, दोस्ती नहीं है ना पवित्र आत्मा के साथ, इसलिए बुझ से गए। अनॉइंटिंग दिया तो था, अभिषेक दिया तो था, लेकिन आज फल नजर नहीं आ रहे, काम नजर नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि उसको बुझा के रख दिया। क्योंकि जो समय पवित्र आत्मा को दे रहा था वो तो हमने अपने दूसरे दोस्त को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? यस। यदि आप चाहते हैं कि आपको अनॉइंटिंग में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, और संसार के ऊपर प्रबल होना है, फतेह को पाना है, आपको अपने प्रार्थना के जीवन में बढ़ना है। अभिषेक सिर्फ एक ही चीज से बढ़ सकता है, वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। एक ही चीज है जिससे आप इन सारी लतों से बाहर निकल सकते हो, वो है प्रार्थना, प्रार्थना। जब चुंगी लेने वाले को अपने पापों से घृणा हो गई, उसने क्या किया, प्रार्थना की, छाती पीटी, क्या है उसके ऊपर तेल डाले, और फिर उसको बीमारी से चंगा कर। जैसी अनॉइंटिंग आएगी बीमारी ठहर नहीं पाएगी, जैसी अभिषेक आएगा दुष्टात्मा ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि उसको आपकी अनॉइंटिंग से डर लगता है, उस पवित्र आत्मा से डर लगता है। शिमशोन के साथ क्या हुआ, क्या हुआ उसके साथ, इतनी सामर्थ्य अभिषेक, इतना बड़ा अभिषेक उसके पास था, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, लेकिन घमंड आ गया उसके अंदर,
मेरे सामने तो ठहर नहीं सकता। लड़कियों में लग गया, उसका ध्यान लड़कियों में लग गया और एक दलीला उसके जीवन में आई, एक दलीला उसके जीवन में, एक कमजोरी उसके जीवन में आ गई। तो पता दलीला ने इसे क्या मांगा? क्या मांगा उसे? उसका पैसा नहीं मांगा, उसको एरिका कोई आश्चर्य कर्म करके दिखा। हाँ, और भी तो बहुत कुछ मांग सकती थी। अच्छा, उसको पैसा चाहिए था, लेकिन दलीला के पीछे तो कोई और है ना, रूप दलीला का है और दलीला के पीछे कौन है? और कुछ और कोई और है उसके पीछे? कोई और है। बाइबल कहती है वो रोज उसके नाक में दम करने लगी। तो अपने अभिषेक का कारण बता मुझे, तेरे पास जो ताकत है ना, तेरे पास जो अनॉइंटिंग है ना, इसका भेद बता दे मुझे। और शमशोन दलीला के प्यार में ऐसा रंग गया, ऐसा रंग गया, इसको होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। आज भी लोगों को होश नहीं है, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसको खो रहे हैं। जो हमें दिया गया वो कितना बड़ा अभिषिक्त चीज है, अनमोल खजाना है, जिसके द्वारा मैं जाने ना जाने क्या कुछ नहीं कर सकता। इतनी बड़े अभिषेक को, इतनी बड़ी अनॉइंटिंग को हम सीरियस नहीं लेते, इसको को बढ़ाते नहीं है, पर अपना जीवन संसार और संसार की विलासाओं में फंसाकर हमने सुस्त कर लिया, सुस्त कर लिया। बहुत सारे लोगों ने कर लिया, बहुत सारे लोग टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, सपनों के अंदर भी बहुत सारे लोग चुमड़ा हुआ है, वो चोरी करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। चोर को पकड़ेंगे, आज इसके ऊपर प्रबल होंगे, आज इसको बांध के मारेंगे और अपने खोए हुए अभिषेक को आज फिर से पाएंगे। बाइबल कहती है शमशोन के नाक में वो तेली दम करती है, डेली दम करती रही, डेली दम करती रही। और एक बार ऐसा आया दलीला उसे दूर चली गई, नाटक करने लगी, अब पास में नहीं आने देगी। पहले अगर तू जब तक मुझे बताएगा नहीं, तब तक मैं तुझे अपने पास आने ऐसी करेगा, ऐसी करता है शैतान। एक बार आपको एडिक्शन लगा देगा, एक बार आपको लत लगा देगा, और बस एक बार लत लग गई ना, वो आगे आ गया आप पीछे पीछे, फिर उसके लिए तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए। हाँ, एक बार, क्योंकि यीशु ने कहा जो पाप करता वो पाप का गुलाम बन जाता है, और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। जो आनंद यीशु मसीह के पास है, पवित्र आत्मा में आनंद है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं वो आनंद टाटा बिरला के पास नहीं है, अंबानी के पास नहीं है, दुनिया की सारी दौलत को भी अगर कोई प्राप्त कर ले उसके पास भी वो आनंद नहीं है। वो आनंद चिन्ह चमत्कारों में भी नहीं मिलेगा, जो पवित्र आत्मा में आनंद मिलेगा, जो यीशु मसीह में आनंद मिलेगा, जो आनंद आपको उस अनॉइंटिंग में मिलेगा, उस अभिषेक में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े दिनों पहले आत्मा में स्वर्ग को उठाया गया, और जब मैं स्वर्ग को उठाया गया, स्वर्ग के वातावरण को जब मैं महसूस कर रहा था,
वहां पर मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, फूल पत्ते हर चीज वहां पर बातें कर रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। और उस आराधना के झुंड में बड़े बड़े लोग भी शामिल है, जैसे पौलुस भी शामिल है, पतरस भी है, और भी बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कोई भी ना ऐसी बातें नहीं करना, कोई भी किसी को ऐसे देख नहीं रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे साथ में कौन खड़ा है। हालेलुया, 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 किसी को कोई नहीं फर्क पड़ा, हर कोई बस परमेश्वर में लीन है, उसकी उपस्थिति में, उसके आनंद में ऐसा खोया हुआ है कि किसी को किसी चीज से कोई सुदबुद नहीं है, सिर्फ उसका आनंद, सिर्फ उसकी उपस्थिति, सिर्फ उसकी हजूरी, वो ललायक रहते हैं पूरी दिन, पूरी रात, हमेशा अनंत काल के लिए। हालेलुया, ऐसा आनंद है परमेश्वर का, ऐसी अलौकिक वो अनॉइंटिंग की सामर्थ है मेरे प्रियो, आपको और किसी चीज का सुदबुद ही नहीं है। तभी पौलुस कहता है संसार की वस्तुओं को हमने कूड़ा और करकट समझ लिया है, क्यों? क्योंकि हमने स्वर्गीय विरास को पाया है, हमने स्वर्गीय अभिषेक को पाया है। बाइबल क्या कहती है, शिमशोन जब दलीला के बगैर रह नहीं पा रहा, अब उसने अपना भेद भी खो दिया, क्या वो उसके बाल काट दिए, उसका अभिषेक चला गया, जैसे अभिषेक गया दुश्मन ने अपना असली रंग दिखा दिया ना, वो अपने असली रूप में आ गया। वचन कहता उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके हाथों पैरों में जंजीर डाल दिया गया, वो चक्की पीसने लगा, लोगों के बीच में तमाशा बन गया, लोगों में ठट्ठा और मजाक का कारण बन गया, वो अभिषेक जिसके सामने कोई ठहर नहीं पाता था, जिसके नाम से लोग कांपते थे, घबराते थे, आज वो मजाक का कारण है, आज वो ठट्ठे का कारण है। क्यों? क्योंकि दलीला की बात सुनी थी ना, क्योंकि उस अभिषेक को जो उसे दिया गया था तुच्छ जाना, उस अनॉइंटिंग को तुच्छ जाना। याद रखना एक दिन बड़ी बदनामी होगी, बड़ी नाम थराई होगी, बड़ी पिटाई होगी, पहले तो बड़े मजे ले लिए, उसकी पेनल्टी भी बहुत बड़ी है, उसकी सजा भी बहुत बड़ी है, इसलिए सावधान, सावधान, टेलीविजन को छोड़कर परमेश्वर की दिव्य विजन के ऊपर ध्यान लगाओ, पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान लगाओ, मोबाइल को छोड़कर बाइबल के ऊपर ध्यान लगाओ, तो कैच कर लेगा आपको, पकड़ लेगा आपको। अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ रखा उसने, यहाँ पास्टर खड़े होके चिल्ला चिल्ला के छुटकारा हो, चंगाई हो, ये हो, वो, अरे अगर तुम अभिषेक में रहोगे तो छुटकारे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तुम खुद छुटकारा पाए और लोगों को छुटकारे के प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर से छुटकारा चंगाई नहीं मांग रहे होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहे होंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा करने में व्यस्त होंगे। हालेलुया, हालेलुया, लिखा यीशु नासरी उस अभिषेक से भरा हुआ था, और उस अभिषेक में होकर उसने शैतान के सारे कामों को नाश कर दिया। हालेलुया, 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 जो अभिषेक तो होगा वही उसके कामों को नाश कर सकता है, वही उसके ऊपर मन को फिराकर उस अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे को, उस अनॉइंटिंग के लिए भूखे और प्यासे हो, उस अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे हो, जिसके द्वारा आप संसार को उल्टा पुल्टा कर सकते हो, जिसके द्वारा आप अपने घराने को बदल सकते हो, अपने मोहल्ले को बदल। अभिषेक की कहानी,
अगर वो अनॉइंटिंग आप संभाल के रखोगे, उस अभिषेक में आप बढ़ते रहोगे, प्रार्थना के जीवन में बढ़ते रहोगे, अभिषेक बढ़ता जाएगा और उसके बाद अब शैतान को भगा भगा के मारोगे, बीमारियों को भगा भगा के मारोगे, भगा भगा के मारोगे। चमचोर की जब आंखें फूट गई, जब चक्की पीसने लगा, तब उसकी फिर से परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा, फिर से उसने पश्चाताप किया, फिर से उसने तौबा किया और फिर बाइबल कहती है उसने एक नया सामर्थ पाया, एक नया अभिषेक को पाया। और उस अभिषेक को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले हमारे साथ ऐसे होता था, वैसे होता था, अब नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अभिषेक को बुझा दिया है, उसने से कुछ नहीं होगा, पश्चाताप करने से होगा, मन फिराने से होगा, उस दलीला को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकने से होगा। और एक भीड़ की बात बताऊंगा आपको, जो अभिषेक आपके अंदर है वो ऐसा सामर्थ्य अभिषेक है कि सामने कोई भी व्यभिचार, कोई भी पाप, कोई भी बंधन ठहर सकता ही नहीं है। एक पसंद के पसंद करेंगे तो प्रार्थना में जाएंगे, पहला यूनिट 3 का 9 लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ, जैसे ये परमेश्वर का बीज, वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में आती है, वचन दुआई दे रहा, मैं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? वचन। वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। और जब आप इस बात को घोषणा करना शुरू करोगे, जब आप इस बात को क्लेम करना शुरू करोगे, जब आप इस बात को चिल्ला चिल्ला कर अंधकार की ताकतों को बता दोगे कि मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है, मेरे अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं व्यभिचार नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। तब वो सामने से भागेगा, तब वो जीवन से निकलेगा, क्योंकि आप सच्चाई को जान गए हैं। ये हमने पढ़ा ना, तुम्हारा तो उस पवित्र तेल से अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, और तुम उस सत्य को जानते हो, तुम सच्चाई को जानते हो, और सच्चाई तुम्हें आजाद करता है, सच्चाई तुम्हें जय के उत्सव में लेकर चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम अपने जीवन से ऐसी हर बात को जो हमारे जीवन में अनॉइंटिंग को बढ़ने से रोक रही है, हमारे जीवन को प्रार्थना में बढ़ने से रोक रही है, हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने से रोक रही है, अपने जीवन से आज निकाल कर फेंक, आज हम पश्चाताप करें, तौबा करें और एक बार फिर से हम उस अभिषेक के लिए पुकारेंगे, उस अनॉइंटिंग के लिए पुकारेंगे, उस अभिषेक के लिए पुकारेंगे और आप देखेंगे आप एक नया अभिषेक पाएंगे। आए हम सब ओ परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाएं, ओ हालेलुया, खड़े हो जाएं, रिशांधी मांदरी बारा सुखरुंधी बारा, याद करें अपने जैसे भी जिन्होंने काम किए हो, जिस परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं, चाहे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद श्वेत करने की सामर्थ्य रखता है, वो आपके जीवन को पूरी रीति से बदलने की सामर्थ्य रखता है। आए हम पश्चाताप करें, आए हम तौबा करें, आए अपने मन को फिराए, आए अपने जीवन से दलीला को बाहर निकालें।
हम बाहर निकाले दलीला को अपने जीवन से, हम दलीला को बाहर निकाले अपने जीवन से, उस हर ठोकर के कारण को बाहर निकाले अपने जीवन से, हर उस घिनौने कामों को बाहर निकाले। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। प्रभु आपको जबरदस्ती कुछ नहीं देंगे जब तक आप भूखे और प्यासे नहीं होंगे, जब तक आप उसके लिए भूखे और प्यासे नहीं होंगे। ओ यदि आज उसका आत्मा यहाँ पर है और यदि आज आप उसको पुकारोगे तो जीवन में बड़े कामों को देखोगे, जीवन में बड़ी कामों को देखोगे, अपने जीवन में एक बड़े काम को देखेंगे। वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, वो शकियां दीना मंदुरिया, वो आपकी आत्मिक आंखों को बंद कर देगा, आपके मन को मिट्टी डाल के दबा देगा, अब कुछ नजर नहीं आएगा। मेरे प्रिय, पश्चाताप करें, तौबा करें, मन फिराए, इस वक्त मन फिराए, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, उसके आगे आंसुओं के साथ आए, उसके आगे प्रार्थना करें, उसके आगे मन फिराए। ओ रवाशरण दीना मंदरे रूखा बारा से खेरंदा रेदी न खाइये रे खेरबो रूखा मंदरी बारा से दे स्वामी खारा देना खाइये रे में रूखा रंदे ने खेरबा से खारिया और देने के थेले बेरे रमा और इस संदे न मोरिया और इस संदे न मोरिया और पाप को छुड़ाने वाली सामर्थ पवित्रात्मा की वो आग, पवित्रात्मा की वो आग, और हम रिलीज करते हैं, हम रिलीज करते हैं तो जीवनों को, और जीवनों के अंदर से, हृदय के अंदर से पत्रकारी को भस्म करता है, गुना को भस्म करता है, और शांति में खिला को Yeah.
Thank you.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. O khuda hamare beech mein hai. Hallelujah. Labai ka sakara vandana mara khasa. Glory be to God. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Prabhu hamare beech mein hai. Uska atma hamare beech प्रभु का टाइम से मैं बीत सकता हूँ कि उपस्थिति आप लोगों के ऊपर है आज, एक प्रेजेंस लोगों के ऊपर है आज, और एक शाखा बना रखा एक अलग और नई को कुछ चीजें परमेश्वर ने आज खत्म की है, कुछ चीजें ऐसी हटी हैं जो तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ को ले तुम तक पहुंच नहीं रही थी, लेकिन खुदा आज वो भेज रहा है। अब तक जो पाना चाहते थे वो मिल रहा है। एक दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे आगे एक ढाल की तरह इसलिए खड़ी होती थी कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग ना घुसे, लेकिन आज खुदा ने उसको हटा दिया प्रभु। प्रभु भोज में चलेंगे उससे पहले। हालेलुया। ये इधर पीछे की साइड से मेरे हाउस में बैठे हैं, खड़े हो जाए सब। आप पहली बार फर्स्ट टाइम, आपको आपके सर में कोई प्रॉब्लम रहती है, रहती है आपको ऐसा चिमड़ा रहता है, कोई पकड़ता है ऐसा रहता है आपको, हम फेथ करते हैं कि खुदा का धन्यवाद वो आपको आज फ्री करके भेजेगा। पावर को इस समय मैं फील कर रहा हूँ, जिस आत्मा को मैं अपने बीच में देख रहा हूँ, वो पावर, वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ, और मैं आज एक विषय में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रही विषय जैसे आज का वर्ड भी, खुदा का धन्यवाद इस वर्ड से शिमशोन ने इस पूरी नगरी को शैतान के वो जो उसको उसने उसकी पावर को खत्म किया था, कह रहे कि अगर तूने मेरी पावर खत्म करी शैतान तेरा सारा साम्राज्य मैं खत्म करूंगा यीशु के नाम में। शैतान के साम्राज्य को खत्म करने के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना स्वरूप हो। इस समय हम प्रभु का थैंक्स कर गुलाब रखा डर प्रभु बोझ में चले। आप आगे आ जाए जिनके लिए मैं बोल रहा था, आगे आ जाए प्रार्थना करो। गुलाब रखा सब जन मिलकर हम प्रार्थना में रहे। हर वो स्पिरिट, एवरी स्पिरिट मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। प्रभु खासी नहीं, आइए हम प्रार्थना करें। हर वो स्पिरिट्स, हर वो दुष्ट और अंधकार की पावर, लाब्रा का नदी का सुर रोबो कुछ, लाब्रा का दर खाना, एक रबा का साका रखा रखा डर रखा 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 लक्ष्मी घर बारा 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 शनि रिक रिक रखा जाप्रां डर रखा बारा 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 अंधकार की एक एक पावर, 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 परमेश्वर का आत्मा ले प्रागे ले रिक रिक सुंदर हो ला प्रखा सारे बारा 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 शनि रे बाशे तिरेगा लगेगा ना प्रिय घर रहा है यीशु मसीह के नाम से दिमाग को विचारों को पकड़ के रखती है आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रह्मा नमः लारिया रे गले बाला बाला ले प्रेगिनरा नम्रा करिया
अपना गले नहीं रखने के था रबो खंडन मासी क्रिया हर एक अशुद्ध चीजें हर एक बीमारी की आत्मा हर एक जकड़न की आत्मा आज से ऊपर से यीशु के नाम से हर बंधनों को तोड़ते हैं री भाषा तेरा का लाभ्रा के देरिया दम रखे देरी करने का टेके देखा देने कला यीशु मसीह के नाम में यीशु के नाम से 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 हर बंधन हर वो बंधन एवरी बंधन एवरी बंधनों से पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है लेके भेद नमा से किया करा सुना भ्रा नहीं मरे भी सापरा गाड़े रेखा हर एक बंधनों हर एक बंधनों हर एक बंधनों हर एक बंधनों से पवित्र आत्मा परेशान करते थे सताती थी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से 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 अंधकार की पावर यीशु के नाम से टूट रही है टूट रही है टूट रही है अंधकार की एक एक पावर एक एक पावर एक एक पावर एक एक पावर जिंदगी से तारीफ से प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से हर एक बंधन एवरी बंधन हर बंधनों से परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है 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 फ्री कर रहा है फ्री इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से फ्री इन द नेम ऑफ जीसस फ्री इन द नेम ऑफ जीसस Free in the name of Caesar. 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 Parmeshwar ka atma. Ribra khadara. Chandra khadara. Hallelujah. 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 Ribra khadara manda. Sabra gadiriya. Pratana gari sabjandu. प्रेम करेंगे खुदा का आत्मा खुदा का प्रेजेंस परमेश्वर की उपस्थिति हम बने रहे थैंक यू लॉर्ड जीसस लेब्रा हारिया नमना लेब्रा हारिया नमना लेब्रा हारिया नमना लेब्रा हारिया नमना और ये बड़ा बस बिगड़ा जाप्रे तेरी अंदा सो ब्रोगोडो सो ब्रोगोडो सो ब्रोगोडो सो ब्रोगोडो सो ब्रोगोडो जाप्रिया नमा राका राका रिके रिके रिका 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 साप्रे बेरे खा साप्रे केरिया और अमाला खाना और रबा खाना रखाना और दर्रा बेना लाप्रिया सोचले मो सोंदो लेप्रिया बेजना जाप्रिया डेरा सबसे बिल्कुल प्राप्त न करे उस समय मिलकर कि प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे होली स्पिरिट तेरे आत्मा के द्वारा लाप्रा कानरिया मंथा जाप्रिया की दूरो जिप्रिकादा 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 हमारे खाने और पीने में दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आई विल स्पिरिट्स मैं बिद करता हूं प्रभु यीशु के नाम में वो हमारे बीच में आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करते हैं आज मैं एक विषय को देख रहा था आज हम बहुत अपने देश में मॉर्निंग में तो सुबह मॉर्निंग में जो उन्होंने देखभाल सिखाई वो बात ये थी मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कुछ लोगों के जीवन के पीछे कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है लेकिन मैं उस प्रॉब्लम कुछ लोगों को लगता है मेरे साथ प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन मैं उस प्रॉब्लम के पीछे एंजल को स्वर्गदूत को खड़े हुए देखे और जब वो पता है प्रॉब्लम काम कर रही है आप बोलो ना बोलो वो काम कर रही है लेकिन उसके पीछे जो एंजल खड़ा है वो काम नहीं कर रहा वो इसलिए काम नहीं कर रहा
क्योंकि जो काम आप यहाँ करने आए हो वो कर नहीं रहे। कुछ लोग जो काम यहाँ करने आ रहे वो कर नहीं, यहाँ क्या करने आ रहे, क्या करने आए, क्या करने, वो कर नहीं। आपको पता है एंजल परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक्टिवेट होते हैं, बस मुझे और आपको भी उसकी महिमा के लिए बनाया है, और उनको भी वो इसलिए स्वर्ग में है, क्यों है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की महिमा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वर्ड हमें कहता है कि जब हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं तो कुछ होगा, अगर हम ऐसे ही खड़े तो ऐसे ही रहे। बाइबल कहती है आप कुछ करो तो परमेश्वर भी कुछ करे, हम कुछ करें तो परमेश्वर भी कुछ करे। मैं आज का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, मॉर्निंग का अनुभव, लेकिन मैं जो आत्मा में देख रहा था, आज मैं फ्री था, आज मैं बैठा हुआ वचन सुन रहा था पूरे दिन, तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर ने मुझे बताया जब मूसा के हाथ उठ रहे थे तब तक बोलो, जैसे जैसे वो डाउन गए ऐसे ही अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हो वर्शिप में तो शैतान जीत जाए, लेकिन अगर आप आराधना कर रहे हो तो वो हारेगा। समझ आ रहे हैं, ये जगह एक ऐसी जगह है जहां आपको प्रेज करनी है, आराधना करनी है, महिमा करनी है, अपने सारी चिंताओं को भूलकर, अपनी सारी टेंशनों को छोड़कर प्रभु की चीजों में जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, और मैं अभी शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हूँ, कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर की जो एक लाइट मैंने आज मैंने देखी लाइट है, प्रभु की अभिषेक की वो है, और उसके साथ साथ में कुछ डार्कनेस है, डार्कनेस स्पिरिट है जो साथ में चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है, प्रभु का आत्मा इंतजार कर रहा है कि वो ऐसे नहीं जाएंगे, वो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही तुम उसकी महिमा में लौलीन हो जाओगे उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो यहाँ बैठी है सिर्फ इस बात और यही काम नहीं कर कि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते। हालेलुया, हम प्रभु भोज में जाकर और फिर ऑफरिंग के साथ फिर आराधना में कंटिन्यू रहेंगे। मैं फेथ करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि खुदा का आत्मा फिर से आप में एक नए तरीके से आपको टच कर रहा है। सो जिन लोगों का बैप्टिज्म हो गया वो खड़े रहे, जिन लोगों का बैप्टिज्म नहीं हुआ है वो अपने स्थान पर बैठे, जिन लोगों का बैप्टिज्म हुआ है इस प्रभु भोज को लेने से पहले, इस प्रभु भोज को लेने से पहले हमें क्या करना है, प्लीज इशारों के अंदर बिठा दीजिए, ठीक है। इस प्रभु भोज को लेने से पहले हमें क्या करना है, दो काम करना है, पहला काम माफ करना, क्या करना, माफ करना, किसको, दूसरी चीज हमें क्या करना है, प्यार वो व्यक्ति भी उसमें शामिल है जो हमसे प्यार नहीं, क्योंकि जी यीशु का लहू जो है वो इसलिए तोड़ा गया, इसलिए बहाया गया कि माफी कर सके, और यीशु का शरीर इसलिए तोड़ा गया कि वो उसने अपने शरीर में बैर को नाश किया और लहू के द्वारा पापों की क्षमा हो। तो इसलिए दोनों चीजें जो लहू जो दाखरस और रोटी जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो माफी वाला हृदय और प्रेम वाला हृदय हमारे अंदर को निभाएगा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सो हम परमेश्वर का आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ, सो हालेलुया, बाकी सब लोगों का बैप्टिज्म हुआ, प्रभु का थैंक्स करेंगे। और उसके वचन में लिखा है पहले कुरिन्थियों में, हम उसको पढ़ते हैं
पहले कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए, यदि हम अपने आप को जानते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु हमसे प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के पास में लेकर आए। आइए हम सब प्रार्थना में पूर्वक रहें। खुदावन मैं प्रे करता हूँ दाखरस और इस रोटी के लिए, खुदावन ये तेरे लहू में और तेरे ब्लड में तब्दील हो, तेरी देह में तब्दील हो विश्वास के साथ। हम परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, मैं सबसे पहले अपने आप अपने गुनाहों के लिए जाने अनजाने में जो भी हुए मैं क्षमा कर, फिर मैं अपने परिवार के गुनाहों के लिए माफी, फिर मैं इन तेरे लोगों के लिए माफी मांगूं, इनके परिवारों के भी लोगों में क्षमा कर, यीशु के लोगों से धो दे प्रभु हमारे गुनाहों कि हम तेरी मेज में शामिल हो और मसीह की देह और मसीह का लहू उसका DNA उसकी देह हम में से होकर कार्य कर। तेरी देह में प्रेम भरा हुआ है, तेरे लहू में माफी भरी हुई है, इसलिए होने दे खुदा तेरे लोग प्रेम और माफी से भरे हुए हो मेरे खुदा, प्रेम और माफी से भरे हुए हो मेरे खुदा, प्रेम और माफी से भरे हुए हो मेरे खुदा। I pray in the name of Jesus, सारा जलाल आपको यीशु के नाम में, हमें आपके पास में आए लहू यीशु का कर दिया, उसने हर दोष को
अपने लहू से मेरे ऊपर से मिटा दिया। उसने मुझे ऐसा मन दे दिया है उसकी देश को खाने से, मेरे अंदर मांस का हृदय आ चुका है और वो हृदय मेरे अंदर आ चुका है जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना और अपने बैरियों से प्यार कर सकता है, वो प्यार कर सकता है, वो हर शख्स को माफ कर सकता है, वो हृदय मेरे अंदर आ चुका है, वो लहू की सामर्थ मेरे अंदर आ चुकी है। मैं घमंड करता हूँ उस क्रूस की पावर पर जिस पर यीशु मसीह ने अपनी जान देकर शैतान की सब ताकतों को खत्म कर दिया है। एक अलौकिक सामर्थ क्रूस से बह रही है, वो उपस्थिति का सोता वहां से फूट निकल रहा है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए काफी है। इस पूरी दुनिया मैं उस क्रूस की एक बूंद की सामर्थ हो, उस बदन पर एक एक जख्म की सामर्थ हो जिसको पौलुस जानना चाहता था, उसको मैं मसीह यीशु के नाम से अपने शरीर में ग्रहण करता हूं, अपने शरीर में ग्रहण करता हूं। ये वो शरीर नहीं है जो मौत से हार गया, ये वो शरीर है जो मौत से जीत गया। ये वो लहू नहीं है जो हर साल माफी मांगती है, ये वो लहू है जो एक ही बारी में सब कुछ पवित्र कर दिया, सब कुछ पवित्र कर दिया। उस लहू की पावर आज से खुदावन तुम्हें एक ऐसा आत्मा दे, पाप के ऊपर उन बुरी आदतों के ऊपर तुम्हें बार बार नहीं एक ही बारी में छोड़ सके यीशु के नाम, एक ही बारी में छोड़ सके, एक ही बारी में छोड़ सके। खुदा की सामर्थ इस रोटी और इस दाखरस में यीशु की देह और लहू के द्वारा हमारे अंदर जाए, कलीसिया के अंदर जाए, एक ही जन के अंदर जाए और जैसे यीशु बहुतों के लिए आशीष का कारण है, ऐसे तुम भी बहुतों के लिए आशीष का कारण। आदरपूर्वक भय के साथ यीशु की देह के अंदर सहभागी आइए हम खाएं और पिए। धन्यवाद आपकी देह को जो हमने विश्वास के साथ आत्मा में ग्रहण किया, शरीर में ग्रहण किया। धन्यवाद इस लहू के जो मेरे अंदर बह रहा है, यीशु के नाम बड़ी खुशी के साथ हमने भेंटों में सम्मिलित होना, बड़े आदर पूर्वक सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, बच्चे बड़े सब खड़े हो जाए और खुदा का धन्यवाद।
Thank you.
जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य उसे बांध रही है, उसकी सारे काम बांधे जा रहे हैं, शत्रु की सामर्थ्य बांधे जा रहे हैं, शत्रु की सारी सामर्थ्य बांधे जा रहे हैं। शत्रु की पावर, शत्रु की पावर, ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर के आना और हम उसे अब लोक में डिस्ट्रॉय करने के लिए खाते कि वो नाश जो और खत्म हो जाए और प्रभु यीशु के नाम से वो चली जाए। प्रभु यीशु के नाम से।